हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपको क्लास जो 10th है इसका इंग्लिश का जो प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है इसका मैं आपको आज सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आप जैसे कि यहां देख सकते हैं, मैंने फुल अच्छी वाली हैंडराइटिंग में ये आपको सभी सॉल्यूशन आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। फुल PDF आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो आप बिन रही वीडियो में आपको बताऊँगा इन सभी के आंसर आपको मैं बताता हूँ एक एक करके। तो गाइस चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके सभी के आंसर। तो आप सबसे पहले उत्तर पुस्तिका देख लीजिए, और कई लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि साफ नहीं दिख रहा है, तो गाइस आप लोग जो आपकी जो वीडियो प्ले है चल रही है उसकी 3 लाइन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको क्वालिटी है तो उसको आप फुल पे कर लीजिए, तो आपको उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन बताऊँगा। और गाइस जो 10th के बाकी के प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मैंने आपको अपलोड कर दिए, जैसे सोशल साइंस का अभी मैंने अभी नहीं किया, तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि मुझे करना है कि नहीं। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं मैं आपको नाइट में वीडियो बना रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, बस इस पर क्लिक करके इस घंटी वाले बटन को ऑल पे टैप कर लीजिए। ठीक है, और जो आपको जितनी भी वीडियो देख रहे हैं जैसे सोशल साइंस की देख रही, मैंने 10th की बना दी फुल सॉल्यूशन, तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो, जैसे कि हिंदी का पेपर है, संस्कृत का पेपर, ये सब ने मैं सॉल्यूशन करवा दिया हूँ। तो आपको अभी और किसका चाहिए सॉल्यूशन जल्दी से आपको बताइए, क्योंकि अब आपके पास कम समय बचा है, इनको आपको जमा भी करना है, तो आप जल्दी से आपको हम कमेंट करके बताना। मेरे पास फुल सॉल्यूटेड वीडियो बनी रखी हैं सभी की, तो जैसे कि मैंने कुछ आपको अपलोड कर दी हूँ, कुछ रह गई, तो आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको 10th की, 9th, 11th, 12th किसकी चाहिए, तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और 10th का किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए सॉल्यूशन, तो एक बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको तुरंत इसका वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, वो PDF के लिए भी आपको सब्सक्राइब करना होगा, तो रेड कलर का जो नीचे आपके लिए स्क्रीन में बटन आ रहा है आपके लिए जो वीडियो देख रहे हैं, तो उस पर क्लिक करके आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे कि ये वीडियो सभी आप इनको वॉच कर लीजिए जैसे कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए आज की वीडियो में आपको इंग्लिश का बताऊंगा। ठीक है, तो ए इंग्लिश का आप देख लीजिएगा, सेक्शन ए से स्टार्ट होता है, तो सेक्शन ए के आंसर में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में दिखा रहा हूँ, तो आपको राइटिंग का कोई इशू नहीं होना चाहिए, अगर हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए, इनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप, जैसे सेक्शन ए का क्वेश्चन फर्स्ट है, इसके आंसर देख सकते हैं मैंने पूरे के पूरे दे दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन सेकेंड है, इसमें भी आपको इस पेयर एक पैसेज दिया हुआ है, तो जो पैसेज है उसके क्वेश्चन ए रहे, तो इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर पुस्तिका में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इनके CD आपको नहीं दिया सर्च करके, तो आप उसी पैराग्राफ में देख लीजिएगा, इन CD के आंसर आपको उसी में मिल जाएंगे आसानी से, ना मिले तो एक बार कमेंट कर दीजिए, और जिसको पता है तो वो कमेंट कर ही दीजिएगा, मैं उसकी पिन कर दूंगा, तो सभी लोग उनके आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन 3 आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 भी में एक पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ABCDE, तो इनके आंसर भी आप देख लीजिए। तो ये रहे क्वेश्चन 3 के आंसर, तो आप एक एक करके इनके आंसर लिख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो पॉज करके भी इनको लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं आप लोग, तो सभी लोग इनको लिख लीजिए, और PDF के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको तुरंत ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सभी लोग सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक कीजिए, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एक भी पार्ट आप मिस मत कीजिएगा, ना आप कुछ का कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3rd का आंसर। तो सेक्शन ए के आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों में पैसेज थे, तो उनके आंसर मैंने बता दिए। इसके बाद सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको सबसे पहले यहाँ पर 4th क्वेश्चन मिलता है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में बता देता हूँ, जैसे क्वेश्चन 4 है, तो मैंने आपको इसका और वाला करवाया, नीचे वाला बर्थडे पार्टी वाला, तो ये रहा वो एप्लीकेशन बर्थडे पार्टी वाला, तो आप देख सकते ये मैंने आपको लेटर दिखा दिया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, ध्यान से इसका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, तो इसका आंसर आपको कहीं भी मिल जाएगा, या तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन 5 है, इसमें आपको नोट मेकिंग समरी करना है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले आपको नोट टाइटल लिखना है, इसके बाद आपको नोट्स बनाना है, उसके बाद एक समरी टाइप में लिखना है, तो आपको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि क्वेश्चन 5 है, 5 का जैसे कि टाइटल देख सकते मैंने लिखा है फ्यूचर ऑफ इंडिया, और नोट्स में मैंने 4 पॉइंट लिख दिए यहाँ पर, तो आप इनको भी ध्यान से लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो नीचे है इसका मैंने समरी लिख दी है। ठीक है, तो समरी आप कोई भी लिख सकते हैं, आपको पैराग्राफ में से कुछ मुख्य पॉइंट को देख के लिखना पड़ता है, पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो टाइटल, नोट और समरी ये मैंने आपको बता दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 5 के बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन 6, इसमें आपको राइट द
जो और वाला है तो यही करोगे सब लोग। अब कॉस्टली तो आप इसका देख सकते हैं, मैंने साइज अब वूम ऑफ अ कर्स ये वाला आपको दिया है, ठीक है। तो ये ऐसे आप लिख सकते हैं, या तो आपको और कोई सा मिल गया तो आप वो भी लिख सकते। तो मैंने आपको सी नंबर का दिया है, तो सी नंबर का आप देख लीजिए स्क्रीन के सामने, ये रहा वो एप्लीकेशन, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट हेडिंग डालना है ऊपर, और इस प्रकार से आपको इंडेक्स बना लेना है। इन 7 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं इंडेक्स बना के, तो इसको आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो इसका भी आपको याद होगा वैसे तो, या नहीं है किसी को तो आप इसको देख सकते हैं और इसको आप प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बोर्ड में तो आना ही आना है, तो इसलिए आप उसको याद भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से आप स्टार्ट है इंट्रोडक्शन साइंटिफिक इन्वेंशन, इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड में आपको जैसे कि दिख रहा होगा यहाँ पर, तो थर्ड का आंसर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ है, फोर्थ है, ये आपको यहाँ दिख रहे होंगे, मेडिसिन ऑफ सर्जरी कंप्यूटर। तो आप क्वालिटी को फुल कर लीजिएगा, वरना आप कमेंट करेंगे कि साफ नहीं दिख रहा है। तो फुल हमको, मैं बना रहा हूँ आपको एचडी वीडियो, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा आपको पीडीएफ, तो सब्सक्राइब करके रखिए, मैं किसी भी समय इसका प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इनके आंसर आप देख लीजिए, ये 5 तक हो गया। इसके बाद दो और पॉइंट हैं, 6 है डिसएडवांटेज ऑफ साइंस और लास्ट है कॉन्क्लूजन, ठीक है। तो इनको भी आप ध्यान से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होता है, सेक्शन बी और सेक्शन ए मैंने आपको फुल सॉल्यूट कर दिया जैसे कि आपने देखा। तो इसी प्रकार से मैं आपको सेक्शन सी में बताता हूँ। तो सेक्शन सी में आपको सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक मिलते हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते। और गाइस आप क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर जैसे कि लिखा है एनी 5, तो आपको कोई 5 करना है, तो मैंने 5 के आंसर यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट का आंसर दिया है टुक, तो इसके बाद मैंने थर्ड किया है टू रिटर्न, और उसके बाद फोर्थ किया है वाइल, और 5 किया है वट, और इसके बाद 6 किया है कैन, ठीक है। तो इसको मैं एनी 5 करना है, तो मैंने आपको ये 5 बता दिया। अगर आपको और कोई मिला है तो वो भी आप कर सकते, ठीक है। फिर क्वेश्चन जो 7 है, इसमें आपको मैंने ये 6 बता दिए, इसके जस्ट नीचे बी नंबर का भी है, तो इसमें भी आपको देख लीजिए, जैसे कि इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक दिए हैं, और इसमें भी आपको एनी 5 करना है। तो ये रहे आपके एनी 5 आंसर बी नंबर के, ठीक है। फर्स्ट का, सेकंड का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स शोर्ट के, सेवन्थ का, ठीक है। तो इनके आप ध्यान से नंबर वाइज नंबर देख लीजिएगा, मैंने एक एक करके इनके आंसर आपको दिए, ठीक है। तो आप इनको देख लीजिए, बी नंबर का है, इसमें आपको एनी 5 करना है। इसके बाद क्वेश्चन 8 में आपको डूएस डायरेक्टर करना है एनी 5, तो आपको फर्स्ट है इस पेज में, बाकी के नेक्स्ट पेज में, तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट है, तो फर्स्ट का आंसर जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने आपको क्वेश्चन 8 के 5 ट्रांसलेट कर दिए, तो इनके आपको ट्रांसलेट लिख लेना है स्क्रीनशॉट लेके। अगर किसी आपको डाउट लग रहा है किसी भी ट्रांसलेटर में या किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर दीजिए और उसका आंसर आप सही वाला बता दीजिए, ठीक है। तो आप एक बार इनको देख लीजिए, इनको आप मैच कर लीजिए, अगर आपको ये कोई गलत लग रहा है तो आप एक बार कमेंट कीजिए। और ये आपको पूरे 100% रियल पेपर है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, फिफ्थ वाला, और जो फोर्थ वाला और सिक्स्थ वाला, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्व किए हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं डूएस डायरेक्टर के, वो ये रहे, और मैंने आंसर आपको इसमें दिखा दिए जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एनी 5 करने थे, मैंने बता दिए। इसके बाद नीचे आइए, तो आपको ट्रांसलेट मिलते हैं, जैसे कि आप इसमें आप क्वेश्चन अकेले देख लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन बस बता रहा हूँ। और इसके आंसर जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, तो फर्स्ट का आंसर मैंने यहां सॉल्व किया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड का हो जाएगा आई कैन स्पीक एन इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद थर्ड मैंने सॉल्व किया, कैन यू स्विम, और इसी प्रकार फोर्थ फिफ्थ हैं, तो इसमें हमने फोर्थ में लिखा देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, और इसमें फिफ्थ वाले में लिखा राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप बर भी लिख सकते हैं आर की जगह। तो इसके बाद ये सेक्शन सी आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। तो इसके बाद गाइस यहाँ पर सेक्शन डी आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप सेक्शन डी में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, तो इसके भी आपको आंसर मैं आपको शो करता हूँ। तो गाइस मैं आपको जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप कई लोग कमेंट कर रहे थे कि मुझको जमा करना है, तो आप जल्दी से वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपको रात को ही ये वीडियो रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको ए बी सी तीनों के आंसर यहाँ पर बता दिए, और जो डी वाला आपको पैसेज में मिल जाएगा, तो आप इसी पैसेज में ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ना मिले तो कमेंट कर दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको डी वाला सॉल्व करना है, इसके बाद नीचे आ जाना है।
क्वेश्चन 11 में भी एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें भी मैंने आपको 1, 2, 3 के आंसर दे दिए, जैसे कि आप देख सकते हो। फोर्थ बार आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाए तो ठीक ना, मैं कमेंट में बताइए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और जिससे भी बने ये डी नंबर का और ये 4 नंबर का, तो वह कमेंट कर दीजिए और मैं आपको चेक करके उसका पिन कर दूंगा, तो आप लोग सभी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन 12 आता है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है, तो इसका मैंने आपको और वाला किया है अथवा का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं व्हाट वाज द चैलेंज ऑफ टू ममता, ठीक है। तो इसका मैंने क्वेश्चन आंसर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा द रिमेंबर, तो यहां से हो जाएगा 12 का आंसर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी के जस्ट नीचे 13 वाले का आंसर है। तो 13 क्वेश्चन का भी मैंने आपको देख सकते हैं, जैसे कि तो 13 नंबर का मैंने आपको फर्स्ट ही का दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट वाज द डिसीजन इन द केस ऑफ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि, ठीक है। तो इसका आंसर है ये, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है 13 का, तो आप देख लीजिए जो 13 क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ भी है, तो आप उसको लिख के इसको भी लिख लीजिए, टोटल उतना ही आंसर है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसी के साथ 13 भी आपका सॉल्व हो जाता है। और गाइस, आपका 10th का किस सब्जेक्ट का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हुआ, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। और बाकी के मैंने सॉल्व कर दिए हैं, साइंस वगैरह के, संस्कृत का, हिंदी का, और ये आपको इंग्लिश का सॉल्व कर रहा हूँ। सोशल साइंस, मैथ्स, आपको किसका चाहिए सभी सब कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, आपके कभी जमा हो जाएंगे, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर दीजिए, मेरे पास सभी का सॉल्यूशन है। तो मैं गाइस सभी के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप बस एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो सभी को ये प्रोवाइड हो जाएगा, A to Z सभी स्टूडेंट को, और सभी क्लास के इस प्रकार से उत्तर पुस्तिका का पीडीएफ आपको दिखेगा, तो सभी का मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, सबसे पहले। तो इसके बाद जो क्वेश्चन 14 है, इसमें आपको देख सकते हैं, इसमें भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। और गाइस, इस एक्सट्रैक्ट में आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन तीनों के आपको आंसर यहाँ दिख रहे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में आपका विंड हो जाएगा, और सेकंड में हो जाएगा एनिमल, थर्ड में हो जाएगा ट्री एंड मी, ठीक है। तो 14 के आंसर आपको दिख गए होंगे साफ साफ, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद जो 15 है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब एंगर इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम एंगर, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इसका आंसर आपका जैसे कि ये हो जाएगा, द पोइट डिस्क्राइब एंगर इन द एंड द अगली थिंग्स, तो इसका आप नोट कर लीजिए ध्यान से, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, 3 लाइन का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और गाइस, आपको जैसे कि मैंने अर्धवार्षिक पेपर हुए थे, उनका भी मैंने आपको एडवांस से पेपर सॉल्व और सब कुछ पेपर का पीडीएफ प्रोवाइड किया था, इसी प्रकार से मैं आपको प्री बोर्ड के भी सॉल्व किया हूँ, इसी प्रकार से आपकी जो बोर्ड एग्जाम है उसका भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रखें, आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो यहाँ पर मिलेंगी। तो क्वेश्चन 15 के बाद आता है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में आपको जैसे कि देख सकते हैं 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से आपको एनी 2 करना है। तो एनी 2 मैंने आपको ये वाला 2 वाला और 3 वाला किया, फर्स्ट वाला नहीं किया, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, अगर आपको इसका आंसर मिल गया, आप कोई भी 2 कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको किए हैं। तो सेकेंड और थर्ड किया है मैंने, तो इसके आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आपको स्पेलिंग और राइटिंग समझ में आ जाएगी जैसे, तो और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ के जल्दी से इसको कर लीजिए सॉल्व, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रोवाइड किया है 100%। तो 16 कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन करने थे। इसके बाद आप तो 17 क्वेश्चन में मिल जाता है, यानी 3 क्वेश्चन करना है इसमें, तो इसके मैंने आपको किए हैं। तो जो 17 है, इसका मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड और फोर्थ वाला किया है, ठीक है। तो 17 के आप आंसर देखिए, तो 17 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया डज नॉट ऑकर, तो ये वाला आंसर आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर, नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड और मैंने क्वेश्चन 4 किया है, ठीक है। तो इसमें आपको एनी 3 करना है, आपको 4 दिए हैं, तो 3 मैंने बता दी, एक फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और एक फोर्थ वाला, ठीक है। तो इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज भी कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद आपको आता है क्वेश्चन 18 में भी आपको एनी 2 क्वेश्चन करना है, तो इसका मैंने आपको सॉल्व किया है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। तो आप इनको, फर्स्ट का है हाउ इज काउ यूजफुल फॉर अस, और सेकंड भी आपको यहाँ दिख रहा है, तो आप क्वेश्चन मिलाते जाइए, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको जल्दी से इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ।
तो फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है, मैंने बता दिया, तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन 18 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। और गाइस, आपको किस सब्जेक्ट का पेपर अभी आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ, क्या नहीं मिला, एक बार कमेंट कर दीजिए। मेरे पास सभी सॉल्यूशन की जो उत्तर पुस्तिकाएँ रखी हुई हैं, तो मैं इसका आपको PDF और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जल्द से जल्द। तो आप लोग सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट लिख दीजिए, ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।